हाय गाइस, मैं हूं शेफ राखी वासवानी। यहां पर तो दिवाली की जोर शोर से तैयारियां हो रही है, लेकिन आपके लिए मैं लाई हूं बहुत अच्छी सी रेसिपी, केसरी गुलाब जामुन केक, जिसे हम बनाएंगे हमारे फिलिप्स के ओटीजी ओवन में और इसे सर्व करेंगे एक लवली रबड़ी सॉस के साथ। तो चलिए आइए बनाते हैं इस दिवाली को और भी मीठा। तो सबसे पहले हम प्री हीट कर लेंगे। प्री हीट करने के लिए फंक्शन का बटन दबाना है। इसे हम प्री हीट पर ले आएंगे 10 मिनट्स, पर टेम्परेचर को हम कम करेंगे एट 160 एंड स्टार्ट का बटन दबाना है। तो सबसे पहले हम फ्लेम में डालेंगे बेकिंग पाउडर, साथ ही साथ इसमें डालेंगे सोडा और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ सॉल्टेड बटर ही, और इसे हम बीट कर लेंगे थोड़ा कंडेंस मिल्क के साथ। तो अब इसे कर लेंगे बीट। अब इसमें हम डाल देंगे ये दही और साथ ही साथ अब इसमें डालेंगे फ्लेवरिंग जो है केसरी, और इसे हम मिक्स कर देंगे अब। और बस अब ये जो हमारा फ्लावर का मिश्रण है वो इसमें डाल देंगे। इसे हल्का सा मैंने वार्म करके रखा हुआ है। तो ये जो केक है ना, बनने के बाद ना बहुत बढ़िया आता है। इसे हम सिलिकॉन मोल में बेक करेंगे और एक एक गुलाब जामुन जो है इमर्स कर देंगे। फिलिप्स ओटीजी के वन टच 10 प्रीसेट मेन्यूज के कारण हम इसे यूज करेंगे बेक फंक्शन पर और हमारे केक जो है बहुत आसानी से बेक हो जाएंगे। और फिलिप्स की जो नई ओटीजी की खासियत है ऑप्टिटेप टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ कन्वेक्शन मोड का फंक्शन भी है। कन्वेक्शन तो पता ही है आपको, पूरे चेंबर में जो है वो इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो सबसे पहले फंक्शन बटन दबाकर हम इसे बेक के सेटिंग पे बेक करेंगे। 30 मिनट्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे जो केक्स हैं छोटे हैं, तो तकरीबन 26 मिनट्स इज़ फाइन। और टेम्परेचर भी हम इसका कम कर देंगे क्योंकि शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो 160 और स्टार्ट बता देंगे। और अब बस केक्स जल्दी रेडी हो जाएंगे। तो अब क्विकली बना देते हैं रबड़ी सॉस, जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगी मिल्क और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मिल्क पाउडर और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा डाल रही हूँ मावा। ये फ्रेश मावा है। ये इंस्टेंट रबड़ी सॉस हो जाएगी जो हमारे केसरी गुलाब जामुन केक को 4 चांद लगा देगी। और बस हल्का सा मिठास देने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा ये कंडेंस मिल्क। देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो रबड़ी की बहुत प्यारी आई है। बस इसे हमें ड्रेस करना है ब्यूटीफुली, बहुत प्यारा लगता है। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े पिस्ताशियोस, हल्के से रोज़ पेटल जो मेरे पास है, जितना भी प्यारा बनाना है इसे बना दीजिए। थोड़े केसर के स्ट्रैंड्स, ट्रस्ट मी इस दिवाली आप ये बनाओगे ना, आपके गेस्ट तो एकदम सब कुछ साफ कर देंगे। और ये एक गुलाब जामुन उसके ऊपर। मेरे फैमिली को तो ये रेसिपी बहुत पसंद है, आप भी इस दिवाली अपने फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं। घर पर रहिए, सेफ रहिए। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मैं हूँ शेफ राखी वासवानी।